भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने के लिए नैनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 31A का शिलान्यास किया गया। इसकी लागत 2228 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस अवसर पर पूर्णिया से लाइव वेबकास्टिंग के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मौके पर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णेश्वर विधायक विजय खेमका एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री द्वारा जहां बटन दबाकर राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया गया, वहीं कार्यक्रम स्थल पर पहले श्रीफल फोड़कर कार्यक्रम का श्रीगणेश किया गया। मौके पर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि NH 131A के बन जाने से न केवल बिहार से झारखंड की दूरी घटेगी बल्कि व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक करार दिया। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया चार लेन पुल निर्माण, गंगा नदी पर विक्रम सुला सेतु के समानांतर नया चार लेन पुल का निर्माण, कोसी नदी पर नया चार लेन पुल का निर्माण, 6 लेन रामनगर कनौली पटना रिंग रोड खंड सड़क का निर्माण, 4 लेन नरेंद्रपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण, नौ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं तो पहले बिहार की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार की जनता की ओर से। इससे साबित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की जनता की कितना चिंता है। आपने देखा होगा कि बिहार में बड़े बड़े पुल और यह 4 लाइन रोड का शिलान्यास हुआ है। इससे बिहार की जनता को बहुत फायदे होगा, इसलिए कि उसको अन्य राज्य से जाने आने में सुविधा मिलेगी। जैसे बगल में झारखंड है, यूपी है, सभी जगह उनको जाने में सहूलियत होगी। खास करके किसानों को आने जाने में सुविधा होगी, आम आमान को दूसरे राज्य जाने में सुविधा होगी। इसलिए बिहार की जनता को काफ़ी फायदा होगा। मैं पुनः सरकार की मंत्री होने के नाते, बिहार की जनता होने के नाते, बिहार की युवा होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।